वेलकम बैक टू द स्टोरी टाइम में। ये कहानी और उसके अंदर जी दे रहे अपनों में ये इसका नाम करुलेना अपना था। इसके चार भाई और एक बहन थे। ये लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी निभा रहे थे। एक दिन इसके साथ ऐसा हुआ जो अब कुछ नहीं आया। ये एक दिन अपने दोस्तों ये फरवरी 1876 का एक सर्द दिन था जब करोलिना अकेले जा रही थी। इसे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये बर्फ है सर के बल बर्फ के अंदर गिरी और देखते देखते ये कोमा में चली गई। ये इतने टाइम तक सोती रहती कि दोबारा नहीं उठती। इसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इतनी अच्छी जगह पे नहीं रह रहे थे कि वहां पर अच्छे सहूलत हो सके हॉस्पिटल वगैरह के। तो इन लोगों ने एक अपना पड़ोस के रिश्तेदारों से उधार लिया और इसे एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया गया। उस वक्त इतनी अच्छी हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, आखिर इस छोटी सी गिरने की वजह क्या है कि ये गहरी गहरी नींद में सो जाती है। ये 18 साल तक सोई रही। इसे बहुत ही डॉक्टरों के पास दिखाया गया। इसकी उम्र वजन तो नहीं घटती थी लेकिन इसके नाखून और बाल घटने लगे। इसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। डॉक्टर्स नहीं जानते थे कि इसे क्या प्रॉब्लम हो गई। पैसे जमा करके ये लोग इसे अच्छी शहर में हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इसे चेक करते हैं लेकिन डॉक्टर्स के समझ नहीं आती तो इसे शॉक दिया जाता है। शॉक देने के बाद भी कोरेलेना को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे इस बात पे बहुत ही परेशान होते हैं लेकिन कोरिला उसकी फैमिली कहती है कि हमारी बेटी बातों को समझती है। जैसे उसका भाई इंतकाल हुआ था तो मेरी बेटी भी परेशान थी, ये सारी बातें समझती थी। उस टाइम ज़्यादा हॉस्पिटल डॉक्टर्स इतने नॉलेज नहीं थे। करोलिना असल में कोमा में थी। 18 साल के बाद 27 साल दोबारा ये कोमा में रही। 27 साल के बाद एक सुबह ऐसी हुई करोलिना होश में आ गई। इसकी उम्र 85 हो चुकी थी। लोग इस बात पर बहुत ही परेशान हो गए थे और इस वक्त दुनिया काफी बदल गई थी, यानी कि बहुत ही अच्छे निजामात आ गए थे। ये स्टोरी इसकी बहुत ही अजीब थी। ये पूरी दुनिया में मशहूर हुई और अब ये अच्छी लाइफ गुजार रही थी। खबर फैलने के बाद डॉक्टर्स न्यूज रिपोर्टर सारे इसके घर इसको देखने आए लेकिन ये इसको बिल्कुल भी पीछे की कुछ भी याद नहीं थी। उसके बाद ये अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। ये मजीद 42 साल तक जिंदा रही। उसके बाद इसकी मौत हो गई। इसकी कहानी बहुत ही अजीब थी उस वक्त। तो ये क्या था आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।